इधर जमजम पानी भी दिया हुआ है, ठंडा नॉर्मल। ये जो ग्रीन टॉम देख रहे हो ना, इसके जस्ट नीचे ही हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रेस्टिंग प्लेस है। यहाँ पे आपको कोई ना कोई ऐसा दिखते रहेगा पैसे से मांगने के लिए, तो समझ जाना, थोड़ा अलर्ट रहना कि हर किसी की मदद नहीं करना। यहाँ पे कोई गरीब नहीं आया है। ये 12 रियाल की बिरयानी यहाँ पे मिल रही है, ये देख सकते हो। 12 रियाल में ठीक है यार, इतना बड़ा डब्बा मिल रहा है, 2 आदमी आराम से खा लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे से होंगे। मैं अच्छा नहीं हूँ, मुझे 3 दिन हो गए आके इधर मदीना में, लेकिन मैंने कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाई क्योंकि तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी अचानक से, और गला वगैरह एकदम ऐसा बैठा हुआ था। तो आज मैं जुम्मा है तो निकला हुआ हूँ नमाज़ के लिए, सोचा मस्जिद अल नबी जाऊँ और नमाज़ पढ़ूँ और आप लोगों को बताऊँ कि कैसा है यहाँ पे, मतलब सब कुछ दिखता। और बहुत ही ब्लेसफुल प्लेस है ये, और थोड़ा गला सही हुआ तो बात करने में भी थोड़ी एनर्जी हल्की फुल्की आ रही है। तो अभी यहाँ से क्रॉस करने का थोड़ा मसला है। और एक और बात बताना, तो मैंने रूम से बात किया था ना, तो वो लास्ट मोमेंट में ना, जब मैं लैंड हुआ यहाँ पे ट्रेन से आया था, तो मुझे किसी ने रिप्लाई नहीं किया। तो मैं सोचा कि ना एक काम करता हूँ कि मैं दूसरा रूम बुक करता हूँ। उन्होंने 5 मिनट में ना एक रूम बुक किया, और आखिर में जाके ना मुझे एक रूम मिला आराम होटल करके, मतलब अच्छा रूम मिला यार, मतलब 350 दिरहम पर नाइट में, तो अच्छा है, मतलब 7,500 रुपये पर नाइट में मुझे मिला है, अच्छा रूम मिला। तो मैं सोचा कि उसको मैं सीधा ना, पीछे से कुछ बंदे हैं ना बक बक कर रहे थे, तो 350 पर नाइट में मुझे मिला है ना, तो 7,500 रुपये तकरीबन होते, तो अच्छा मिला है रूम। उसमें वॉशिंग मशीन फैसिलिटीज़ है, सब चीज़ है, साबुन है, मतलब एकदम घर जैसा फील आ रहा है। तो मैं सोचा यार चलो कपड़े वगैरह भी धो लेते, 2 दिन से कपड़े वगैरह भी धो के सब रेडी रख लिया था। तो अभी जुमा के लिए आए हैं, तो अंदर चलते आपको दिखाते हैं सब चीज़ें। और यहाँ से मस्जिद अल नबी है ना, ये वाले आराम होटल से तकरीबन 800 मीटर्स वॉक है, तो ये भी बहुत अच्छी फैसिलिटी है कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह नियर बाय मिल गया, तो 800 मीटर बहुत अच्छा है यार, मतलब वॉक करके जा सकते हैं। देखो पब्लिक सब जा रही, बस यहाँ पे क्रॉसिंग का थोड़ा प्रॉब्लम है, वो शायद हो सकता है टेम्प्ररी ही होगा, तो इसके पीछे से जाएंगे तो डायरेक्ट मस्जिद अल नबी आ जाएगी। और इस तरफ ना हज़रत बिलाल उनकी मस्जिद है, उनके नाम की, आप लोगों को पता होगा ना, फर्स्ट मुअज्जिन थे वो इस्लाम के, तो अच्छा है। चलो चलते हैं अभी, और आपको पूरा दिखाते हैं कैसा है जुमा मस्जिद अल नबी में। आप जो मीनारा देख रहे हो, ये है मस्जिद अल नबी का मीनारा। तो माशाल्लाह क्या क्राउड है यार, नबी का प्यार देख सकते हो, बहुत अच्छा है माशाल्लाह। और ये जो होटल से मैं आया ना, तो ये 365 नंबर का गेट है, यहाँ पे बहुत सारे गेट है, तो ये जब आओगे ना आप, तो 365 गेट के तरफ आप आओगे, तो बहुत अच्छा नज़ारा लग रहा है यार माशाल्लाह। और ये जो ऊपर की तरफ जाता है ना, ये वाला रास्ता, ये फजर के टाइम पे खोलते हैं, जन्नतुल बकी है, यहाँ पे सारे सहाबियों को दफनाया गया है, तो फजर के बाद में आपको जाने का मौका मिल सकता है। मैं बहुत ज़्यादा बड़ा दिख रहा हूँ, जूम कर दिया था इसके लिए, मतलब फजर के बाद में जाने का आपको मौका मिलेगा, क्योंकि ये बाकी दिन भर में बंद होता है। यहाँ से एंट्रेंस है, पर शायद पता नहीं अंदर जाने मिलेगा या नहीं मिलेगा, कोशिश करते हैं। यहाँ पे सब कमांडोज खड़े हुए हैं ना। ये ऊपर का हिस्सा है 3rd फ्लोर का, क्योंकि नीचे जगह नहीं थी और हम लेट हो गए थे, इसके लिए ऊपर आने मिला है। ये वाला ऊपर का एरिया है, देखो यहाँ पे भी अच्छा खासा क्राउड है, मस्त पब्लिक बैठी है यहाँ पर। और इधर जमजम पानी भी दिया हुआ है, ठंडा नॉर्मल दिया हुआ, तो यहाँ पे आप लोग पी सकते हो और बॉटल भी भर सकते हो, छोटे वाले ना कि बड़े वाले। Yeah.
بصير لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وتجلى سبحانه وبكل ما يجريه على عبده ويقيمه فيه مما يرضى به هو سبحانه وعلى الله فليتوكل الله أكبر الله أكبر बहुत भयंकर क्राउड यार, आपने तो देख लिया इधर क्या खतरनाक भीड़ है। स्पेशली जुम्मा का प्रेयर है, ज़रूरी नहीं है कि इसी टाइम होगा, बाकी टाइम में भी सही रश होती है, हर नमाज में होती है, क्योंकि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ब्लेस्ड प्लेस है और ये मस्जिद है इसके लिए। और यहाँ पे आपको कोई ना कोई ऐसा दिखते रहेगा पैसे ऐसे मांगने के लिए, तो समझ जाना, थोड़ा अलर्ट रहना कि हर किसी की मदद नहीं करना है। यहाँ पे कोई गरीब नहीं आया है खास फ्लाइट वाइट के खर्चा करके, तो यहाँ पे किसी की मदद करने के लिए एक बार सोच लेना, कोई भी आके आपको अप्रोच कर सकता। मुझे भी किया था अप्रोच लेकिन मैंने मना कर दिया। ये जो ग्रीन टॉम देख रहे हो ना, इसके जस्ट नीचे ही हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रेस्टिंग प्लेस है, और इसके अंदर आपको जाना है और रौदा में जाके अगर आपको दो रकात नफिल पढ़ना है तो आपको नुसूक ऐप के अंदर जाके अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, और तभी जाके आपको वहाँ से मिल सकता है दो रकात नफिल पढ़ने के लिए। पहले ऐसे मिल जाता था लेकिन अभी नहीं मिलता, तो आपको ऐप डाउनलोड करके वहाँ से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, लेकिन हिजरी में जाके लेना, जॉर्जियन इंग्लिश वाले में नहीं लेना, नहीं तो वहाँ पर नहीं मिलेगी। और इन लोग प्रॉपर चेक करते हो, अगर व्हील चेयर एक्सेस रहेगा तो उसके साथ में कोई बंदा रहेगा या कोई भी बंदी रहेगी ओल्ड एज वाले, तो उन लोग को इन लोग छोड़ देते हैं, लेकिन जवान रहेगा तो उन लोग क्रॉस चेक करते हैं। टिकट वगैरह आपको पूरा प्रॉपर दिखाना पड़ेगा अंदर जाने के लिए, तो ऐसा आपको एक्सेस मिलेगा, पहले की तरह नहीं है अभी। तो यहाँ पे जितना क्राउड देख रहे हो ना पीछे, तो ये ऐसे ही है कि लोग सब अपॉइंटमेंट लिए हुए, और यहाँ पे थोड़े थोड़े टाइम में खोलते रहता है, लेकिन अभी तो नहीं खोल रहा है, लेकिन इसका स्लॉट्स रहेगा ना तो आप देख के बुक कर लेना, रात का हो या फजर के टाइम का, मोस्टली फजर के बाद में ही आपको मिल सकता है। तो ये इतना क्राउड है ना, आप देख सकते हो ये उसी के लिए लाइन लगी हुई है यहाँ पर, सिक्योरिटी भी यहाँ पर बहुत टाइट है। ये वाली जो मस्जिद है हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से बनाई गई है, जिसके बारे में मैं पहले आपको बता रहा था स्टार्टिंग में वीडियो। मतलब अब यहाँ से क्रॉस करते हुए जाओगे ऐसे यहाँ से, तो सीधा सीधा अराउंड 800 मीटर्स है डायरेक्ट मस्जिद अल नबी में आप पहुँच जाओगे। यहाँ से सीधा जमजम पुलमैन होटल आएगा, 365 गेट के अंदर पहुँच जाओगे आप डायरेक्ट। यार क्राउड बहुत है, और ना मेरा ये बैटरी है ना गोप्रो की, वो गर्मी की वजह से एकदम ड्रेन हो रही है, आज पता नहीं बहुत ज़्यादा ही गर्मी है। तो मैं सोचा कि चलो यहाँ से जाते हैं डायरेक्ट और कुछ खाना वगैरह ले लेते हैं, और उसके बाद में सीधा हम जाएंगे अपने रूम पे और रेस्ट करेंगे, क्योंकि बहुत गर्मी है यार आज, पता नहीं ज़्यादा ह्यूमिडिटी है। मॉर्निंग में 20 डिग्री था, अभी मुझे लग रहा है कि 35-40 के बीच में होगा। देखो कुछ लोग यहाँ पे कबूतर को खाना भी खिला रहे, मस्त है ना, ये वीडियो लेने के लिए अच्छा है। यहाँ पे भी कुछ एक रेस्टोरेंट है, ये वाला कल खाया था मैं, पर ये अच्छा नहीं है रेस्टोरेंट, यहाँ पे बहुत गंदगी है, मतलब अनहाइजीनिक है, खाने के लिए सही नहीं है। ये वाले रेस्टोरेंट में कल मैं आया था, पाकिस्तानी होटल, ये एकदम हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद के जस्ट बाजू में। यहाँ पे आके मत खाना क्योंकि यहाँ पे अनहाइजीनिक है और क्लीनलीनेस नहीं है और बहुत गंदगी है। बेसिन वेसिन के पास से झटक के आपको टेबल साफ़ कर देगा। ये देखो ऐसा कुछ दिखता है यहाँ पे। खाना ओके है, टेस्टी है, पर सस्ता भी है और इतना कौन सा महंगा नहीं, लेकिन गंदगी है भाई। तो ओसीडी वाले रे सब लोग साले बच के रहना यहाँ पे हर कोई रेस्टोरेंट वगैरह अच्छे नहीं होते। और हाँ, मास्क लेकर आना, अपना फर्स्ट एड बॉक्स लेके आना, अगर कफ कोल्ड हो रहा है तो सिरप भी लेके आना, ये लोग बिना प्रिस्क्रिप्शन के मेडिकल स्टोर वाले नहीं देते। और सबसे मेजर बात है कि अपने चप्पल वगैरह को संभाल के रखना, बैग में प्लास्टिक वास्टिक में लेके जाना, बैग लेके जाने अंदर मस्जिद अल-नबी में जेंट्स को देते नहीं है, तो ये सब चीज़ का पूरा ख्याल रखना। ये रेस्टोरेंट अच्छा है, एक जायका शाही और एक इसके बाजू वाला ये वाला है। पहले रेस्टोरेंट में आप लोग आके खा सकते हो, ये यहाँ पे जो बिलाल मस्जिद है ना वहाँ से आप वॉक करते होगे, तो ये वाला रेस्टोरेंट है, यहाँ पे आके खा सकते हो क्योंकि यहाँ पे एकदम रीजनेबल रेट है। मैं कुछ दिनों से ब्रेकफास्ट भी यहीं पे कर रहा हूँ, 6 रियाल में आपको मिल जाएगा अंडे की भुर्जी, सब्जी वब्जी मिल जाएगी, और रोटी 3 लोग फ्री साथ में देते, तो यहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हो ये वाला जो है ना काउंटर वहाँ से, तो अच्छा है, सस्ता है, ज़्यादा कुछ महंगा नहीं है, और उसका टेस्टी भी है, या बैठ के खाओ या लेकर जाओ, मेरे को तो सही लगा, तो ये रिकमेंड करूँगा मैं। ये 12 रियाल की बिरयानी यहाँ पर मिल रही है, ये देख सकते हो,
12 रियाल में ठीक है यार, इतना बड़ा डब्बा मिल रहा है, दो आदमी आराम से खा लेंगे। यहाँ पे बाकी सब आइटम भी है, जितना है भुर्जी है और दाल है, सब्जी है, कढ़ी है, सब आइटम यहाँ पे अवेलेबल। तो ये ले लिया मैंने एक 12 की बिरयानी और एक है दही कढ़ी और साथ में आते हैं 3 रोटी फ्री। तो हो गया अपना 18 दिरहम का बिल आया, टोटल 18 का बिल आप समझ सकते हो। अभी 22 का रेट चालू इंडिया का, तो अब बार बार बताने की ज़रूरत नहीं, आप कर सकते हिसाब। तो अभी मेरी बैटरी ख़त्म हो रही है, तो वीडियो को भी ख़त्म करते हैं और यहाँ की जर्नी को भी ख़त्म करते हैं आज की। तो उम्मीद करता आपको ये वीडियो अच्छी लगी रहेगी आज की जुमा मुबारक वाली। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड आई विल बी बैक अगेन विद मोर वीडियोज़ लाइक दिस। फॉर द टाइम बीइंग, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे। ऐसे ही सपोर्ट करते रहे यार मुझे प्लीज़ ग्रो करने के लिए, और थोड़ा व्यू वगैरह बढ़ने के लिए थोड़ा सपोर्ट आप लोगों का चाहिए। आप लोग की वजह से मैं और अच्छे अच्छे कंटेंट लाया करूँगा। तो मिलते हैं दूसरे के वीडियो में, तब तक के लिए माशाल्लाह, बाय बाय। Thank you.